नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जैन आपके साथ। कोरोना के बढ़ते मरीज को देखते हुए केंद्र सरकार का दल इंदौर पहुंचा, जहां कोरोना के मामले को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का एक दल इंदौर आया है। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी, सीनियर अधिकारी और साइंटिस्ट शामिल है। ये दल इंदौर में चल रही तैयारियों को गाइड करने और सुपरवाइज करने आया है। कलेक्टर ने कहा कि पिछले दिनों बड़ी संख्या में से सैंपल लिए गए थे, लेकिन उनकी जांच स्थानीय स्तर पर नहीं हो पा रही थी, इसीलिए लगभग 1000 सैंपल इंदौर से दिल्ली भेजे गए थे। तब भी मैंने जानकारी दी थी कि कोरोना पॉजिटिव की बड़ी संख्या में रिपोर्ट आ सकती है, घबराने की बात नहीं है। अब ये बैकलॉग क्लियर हो चुका है और सारे सैंपल की जाँच इंदौर में ही की जा रही है, इसीलिए अब ये संख्या कम क्यों हुई है, इसकी भी मैं जानकारी दे रहा हूं। कलेक्टर ने बताया कि अब जिले में 80 से लेकर 150 के बीच प्रतिदिन सैंपल लिए जा रहे हैं। जो पहले रिपोर्ट आई थी, मैंने पहले भी जब रिपोर्ट ज़्यादा संख्या आने वाली, तो भी मैंने मीडिया को बताया था कि रिपोर्ट से पॉजिटिव संख्या बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो वो भी रीज़न बताया था। और ये भी बताया था कि वर्तमान में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उसमें निगेटिव संख्या ज़्यादा है, पॉजिटिव संख्या कम है। जो संख्या ज़्यादा आ रही थी वो इसलिए आई थी कि प्राइमरी सस्पेक्ट्स होते हैं, ICMR की गाइडलाइंस है, तो उसमें एक प्राइमरी सस्पेक्ट होते हैं जो क्लोज फैमिली मेंबर्स रहते हैं या जहां पर भी पॉजिटिव पेशेंट का रोज़ उठना बैठना रहता है। तो प्राइमरी सस्पेक्ट्स की जो हम लोगों ने 3200 प्राइमरी सस्पेक्ट्स को डाला था मैरिज गार्डन्स में, या लगभग 1500 लोगों को हम लोगों ने होम क्वारंटाइन किया था, वो प्राइमरी सस्पेक्ट्स की सैम्पलिंग बहुत युद्ध स्तर में की थी हम लोगों ने। उसके लिए 20 टीम बनानी पड़ी थी हम लोगों को, तो 20 दल बना के हम लोगों ने प्राइमरी सस्पेक्ट्स की सैम्पलिंग कराई थी। चूँकि बैकलॉग बहुत हो गया था, मेडिकल कॉलेज में कैपेसिटी नहीं थी, वो उनके लमसम सैंपल्स हम लोगों ने दिल्ली भेजे थे, और वहाँ से चूँकि 1000 सैंपल्स दिल्ली गए थे, इसलिए बट नेचुरल था कि उसकी रिपोर्ट एक साथ आनी थी उसकी। तो मैंने मेंटली प्रिपेयर किया था यहाँ की शहर की जनता को कि 250-300 पॉजिटिव केसेस आने वाले हैं, घबराए नहीं उसमें। आज की स्थिति में उतनी सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं है। जो ICMR की गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस तक पहले भी हमने इंटेंसिव सैंपलिंग की थी प्राइमरी सस्पेक्ट्स की, आज भी प्राइमरी सस्पेक्ट्स की कर रहे हैं हम लोग। आज की तारीख में सारे ईयर अस्पतालों में हमारी सैंपलिंग चल रही है, प्लस हमारी सैंपलिंग टीम जो है उतनी टीम की आवश्यकता नहीं जितनी टीम हम लगा रखे थे पहले, इसलिए उस टीम्स के लोगों को हम लोगों ने जो सर्वे चल रहा है घर घर उसमें कुछ लगाया है, बाकी जहां आवश्यकता पड़ रही है सैंपलिंग करा रहे हैं हम लोग। तो जो पहले हमारी 3200 हमारे जो क्वारंटाइन में थे इंस्टीट्यूशन में और जो होम क्वारंटाइन थे, इनकी एक एक दिन में हम लोगों ने 550-550 सैंपलिंग हम लोगों ने ले करके और उसको मेडिकल कॉलेज भेजा था। पर अब जो संख्या कम होने का कारण यही है कि उन सबकी सैंपलिंग हो गई है, उन सबकी रिपोर्ट आ गई है क्वारंटाइन से, जिन लोगों की निगेटिव, अधिकांश लोगों की निगेटिव जो आई थी मेजोरिटी केसेस में, सबको हम लोगों ने रिलीज भी कर दिया है। जो पॉजिटिव आते गए थे उनको हम लोगों ने अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया है, और अब सैंपलिंग उतनी संख्या में नहीं हो रही है। अब मान के चलिए कि 80 से लेकर के 150 के बीच में सैंपलिंग पर डे चल रही है जो प्राइमरी सस्पेक्ट की कैटेगरी है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।